हाय दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्वीडन में वर्क परमिट से रिलेटेड। बहुत से दोस्तों के क्वेश्चंस थे कि स्वीडन में वर्क परमिट कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका प्रोसेस क्या है और इस पे एक्सपेंसेस कितने आते हैं। और साथ ही साथ एक और र्यूमर भी थी, क्या वाकई ही स्वीडन में वर्क परमिट के लॉज में चेंजेस आ रही हैं या नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मेरे साथ रहिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, हर लम्हे आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन वर्क परमिट को अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इसके लिए कोई आइट्स की ज़रूरत नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। इन केस के आपके कोई रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, उनका कोई बिजनेस है स्वीडन में, तो वो आपके लिए आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, जो ही वो इनिशिएट करते हैं तो माइग्रेशन वर्कर आपको एक लिंक भेज देता है जिसमें आपने अपनी डिटेल्स फिल अप करनी है। तो ये हो गया जी नंबर वन। जी सेकेंडली, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने 30 क्रेडिट्स ऑलरेडी कर लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में भी बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सी मैंने वीडियो पिछले दिनों मेरी नज़रों से गुजरी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट नहीं है। मैं चूँकि ये बात आपको ऑथेंटिक सोर्स से कैसे बता सकता हूँ, मैं ये सारे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए वर्क परमिट होल्डर, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि आपके पास पहली रिक्वायरमेंट 30 क्रेडिट्स हैं। उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एक सैलरी जो कि 13,500 एग्जैक्टली है वो ऑफर करता है तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं जो क्लियर करना चाहता हूँ, बास लोग ये कहते हैं कि आपके पास फुल टाइम जॉब होनी चाहिए, पार्ट टाइम जॉब नहीं होनी चाहिए। नो, इट डजंट मैटर। अगर आपकी सैलरी 13,500 स्वीडिश क्रोन है तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 13,500 स्वीडिश क्रोन है। और सेकेंडली, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परमानेंट होना चाहिए। यहाँ पे तिलविदारे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है उसको, और अगर वो आपके पास है तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जी तो तीसरे नंबर पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना CV क्रिएट करना है, आपने कवर लेटर बनाना है और यहाँ की कंपनीज को अप्रोच करना है। स्वीडन इज़ अ हब ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, आप किसी कंपनी को भी अप्रोच करके आप वर्क परमिट निकलवा सकते हैं। तो ऑनलाइन जॉब्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट लिंक्स दे दूंगा, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उन वेबसाइट्स को जाके वहाँ पे रजिस्टर होके आप अपना जॉब सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक तो बहुत फेमस अदारा है यहाँ पे जिसको आर्बिट्स फॉर मिडलिंगन कहा जाता है स्वीडन में, वो आपको रहनमाई करता है जॉब तलाश करने में। आप वहाँ पे अपने अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडीड पे सर्च कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट है उस पे सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन जॉब फाइंड करके स्वीडन में वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया जी, आप ऑनलाइन भी अप्लाई करके स्वीडन में वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो जनरेट करता है और माइग्रेशंस वर्कर को ये सबमिट करता है। अब माइग्रेशन वर्कर एक लिंक आपको आपकी ईमेल एड्रेस पे भेज देता है जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल अप करके उनको माइग्रेशन वर्क को दोबारा सबमिट करवाना होता है और साथ साथ एप्लीकेशन फीस भी देना होती है। अब बात करते हैं कि उस डिटेल्स में क्या क्या शामिल है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो लॉन्गर होनी चाहिए। एटलीस्ट इन दिस केस आपके पास 3 years होने चाहिए। यहाँ पे वर्क परमिट का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 1 माह से लेके 6 माह तक भी लग सकते हैं वर्क परमिट के प्रोसेस को। कुछ लोगों के 1 week में भी लग जाते हैं, कुछ लोगों के 6 माह के बाद भी नहीं लगते, और कुछ केसेस में ये प्रोसेस 1 साल तक चला जाता है। तो अगर इन केस 1 साल तक का प्रोसेस चला गया है तो देन यू गोना गेट 2 years ऑफ वर्क परमिट। तो आपके पास एटलीस्ट 2 year, 3 year की वैलिडिटी होनी चाहिए।
जी, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 3 ईयर्स होनी चाहिए ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन ये है कि इस पे एक्सपेंसेस कितने आते हैं। बहुत मिनिमम सी अमाउंट है जो कि 2200 स्वीडिश क्राउन है, और अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कैलकुलेट करूँ तो 58,000, और इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करूँ तो 17,000 इंडियन रुपीज़ बनते हैं। मिनिमम सी अमाउंट है, आप इस अमाउंट में वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, और ज़्यादा एक्सपेंसिस नहीं है, आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिएगा। जी तो दोस्तों, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन क्या है कि क्या वाकई स्वीडन में वर्क परमिट के लॉज में तब्दीली आ रही है या नहीं, क्या सैलरी थ्रेशोल्ड वही है या बदल जाएगा, जो कि प्रीवियसली 13,500 स्वीडिश क्रोन है और अभी जो रिकमेंडेशन है वो 33,000 की दी गई है। ये केस अंडर प्रोसेस है और इसका डिसीजन अंटिल जनवरी 2025 तक पोस्टपोन्ड है। क्वेश्चन आता है कि ये केस क्यों मुलतवी है, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी इस सैलरी थ्रेशहोल्ड को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये सैलरी थ्रेशहोल्ड जो है वो एवरेज सैलरी से ज़्यादा है, इसलिए बिजनेस कम्युनिटी इसको अपोज कर रही है, और ये मुमकिन है कि ये केस अप्रूव ना भी हो। इन केस अगर अप्रूव हो भी जाता है तो आपके पास अभी टाइम है, 2023 और 2024 में आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग इसको अभी अप्लाई कर लेंगे उन पे वो लॉस लागू नहीं होंगे। तो आपके लिए ये खुशखबरी है, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, जो लोग 2023 में 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं वो अभी कर सकते हैं, उनके पास टाइम है, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आपके काम आ सकती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच सके जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वो वर्क परमिट अप्लाई करें या ना करें, तो अभी उनके लिए ये टाइम है कि वो इस वीडियो को देखें, वो अपने डिसीजन को फाइनलाइज करें और वर्क परमिट अप्लाई करने में देर ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।